नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाग में। आज हम लोग बात करेंगे पैनी स्टॉक की, बिल्कुल जिसका नाम है HDIL। नाम आपने थंबनेल पे देख ही लिया है और उसकी चर्चा करेंगे। और ये कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सारे कुछ इस शेयर के बारे में जानेंगे कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए या निकल जाना चाहिए, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा मार्केट के बारे में बात करूँगा आज। जनरली आप मेरे वीडियो देखते हैं, मार्केट पे मैं चार्ट वार्ट पे एनालिसिस नहीं करता हूँ। करने को मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन 500 चैनल हैं और आप देखेंगे सब लगभग निफ्टी 50 और सब पे चार्ट का एनालिसिस वगैरह करते रहे, तो आप उन पे भी जानकारी आपको मिल ही जाती होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, तो एक बार देख लीजिए उसको। कि मार्केट अभी देखिए एक्सट्रीम ग्रीड जोन में ही चल रही है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने दिखाया था तो यहाँ पर था इंडिकेटर, अभी यहाँ से अब ग्रीड जोन में शिफ्ट हो रही है। और जैसा कि मैं अपने हम दर्शकों को हमेशा बताता हूँ कि एक्सट्रीम ग्रीड जोन और ग्रीड जोन में आपको खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अभी चल रहा है 72.37। जब मार्केट फियर जोन या एक्सट्रीम फियर जोन में हो तब आपको खरीदारी पे जोर पकड़वाना चाहिए, मतलब तब आपको जोर लगाना चाहिए। अच्छा, ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे तो नैसडेक देखेंगे आप 2.1% डाउन है लगभग, ठीक है, अपने सेशन में लास्ट। और SGX निफ्टी को देखेंगे अगर आप, तो लास्ट सेशन में ये 17,658 क्लोजिंग दी है इसने। और कल इंडियन इंडाइसेस यानी कि निफ्टी 50 ने 17,752 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो उससे भी ये अभी लगभग 100 पॉइंट डाउन है। तो आपको मंडे को थोड़ी कमजोरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसी के ही हैं, तो आपको इसमें सावधानी रखनी होगी थोड़ी सी। और देखिए ऐसा नहीं है कि निफ्टी जाएगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जिस लेवल से इसने नीचे आया है निफ्टी, अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया। 18,000 के लेवल जो थे वो बहुत ही क्रूशियल थे, अगर ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था और ये अगर टूटता तो फिर आपको बिल्कुल आपको नई हाई देखने को मिलते हैं। 19,000 और 20,000 के लेवल पे भी निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। हालांकि जाएगा ही, निफ्टी तो जाना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन दिखे, उसके बाद फिर से वापस ही ऊपर आता हुआ आएगा। बात करेंगे अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो यहाँ पर 651 स्टॉक्स भाग रहे थे और 1310 स्टॉक यहाँ पर गिर रहे थे, लगभग 1900 स्टॉक्स में से। चलिए अब शुरू करते हैं, अपने शेयर पे आते हैं। HDIL यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 5.80 रुपये के आसपास ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी के कामकाज के बारे में जान लेते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन 1996 हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज इंगेज इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओन और लीज प्रॉपर्टी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुल मिला के ये रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि भैया ये इंसॉल्वेंसी वाला ये पॉइंट देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कंपनी इज अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बिल्कुल, यहाँ पर जो RPs हैं, कॉर्पोरेट जो CIRPs हैं, वही क्या कहते हैं कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है। और जो उसके इट्स अफेयर्स बिजनेस एंड एसेट्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बिल्कुल, जो RPs हैं उनके द्वारा इनके जितने भी सारी चीज़ें हैं वो मैनेज किया जा रहा है, जैसा कि फ्यूचर रिटेल के मामले में भी चल रहा है, ठीक है। मैनेज बाय द रेजोल्यूशन अपॉइंटेड बाय द, कौन अपॉइंट करता है ये तो आपको पता ही, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे, फ्यूचर रिटेल के वीडियो में आप देख देख के समझ गए होंगे कि NCLT जो है वो क्या कहते हैं अपॉइंट करती है, और उसके बाद कमेटी ऑफ क्रिएटर्स बनती है, फिर वही सारी चीज़ें जनरली उनकी मीटिंग होती है, फिर वो जैसा डिसाइड करते हैं वैसा होता है। मार्केट कैप की बात करें तो 275 करोड़ का मार्केट कैप है। ROCE माइनस में ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग है नहीं, ये सब है नहीं। डेट अच्छा खासा है, इसीलिए इंसॉल्वेंसी में है, इंसॉल्वेंट हुई है। और डेट इक्विटी की बात छोड़ दीजिए, हाई और लो की बात करिए अगर, तो 4 रुपये 1 पैसे का लो लगाता है और 9 रुपये 78 पैसे का हाई लगाता है, और अभी भी चल रहा है 5 रुपये 80 पैसे पे। बात करेंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स की, तो कोई प्रॉज नहीं है, कॉन्स हैं 3। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैं तो बता ही रहा हूँ। सेल्स की अगर बात करना है क्वार्टरली लेवल पे सारी वैल्यू करोड़ में है, तो यहाँ पर दिसंबर 2021 के बाद से डाटा नहीं है, और उससे पहले यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है कंपनी। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो बस हम माइनस में है, और 2021 के बाद का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद बैंकरप्सी यानी इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। प्रॉफिट लॉस की बात करें करोड़ में, तो यहाँ पर भी सेल्स में आपको मार्च 2021 में 1 करोड़ की दिखी थी सेल्स की। और नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, इसको कहते हैं, देखिए ये सब इसमें इस तरह के एनालिसिस भी आप देखा करिए पूरे, आपको समझ में आएगा कि कोई कंपनी की मतलब अहमियत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। यहाँ से चालू होकर यहाँ भी पहुँच सकती है और यहाँ से उठ के यहाँ भी पहुँच सकती है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए शेयर मार्केट में।
रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं है, माइनस में है। FII अगर आप देखेंगे यहाँ पर और DI देखेंगे तो 16.63 और 0.67% है, लेकिन ये डाटा अगर आप देखेंगे तो जून 2019 का है, उसके बाद से यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे लोग निकल ही गए होंगे, जहाँ तक तो कुछ रहें भूमि। बात करें अगर रिटर्न्स की तो यहाँ पर वनडे में देखिए 4.5% का रिटर्न देता है, 25 पैसे ऊपर बंद हुआ है और ठीक ठाक रिटर्न दे दिया इसने। एक वीक की बात करेंगे तो यहाँ पर 85 पैसे माइनस में रिटर्न दिया इसने। एक मंथ की बात करेंगे तो 17.17% के रिटर्न देनी है भैया, और क्या चाहिए, एक FD और बड़े बड़े दिग्गज शेयर भी इतना रिटर्न नहीं दे पाते एक साल में, ठीक है। और यहाँ पर एक महीने में इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। बात करें अगर एक साल में तो एक साल में भी इतने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, 33.33% का रिटर्न। 5 साल की बात करें तो 5 साल में लगभग आपकी ऑलमोस्ट कैपिटल पूरी खा चुका है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में भी आपकी कैपिटल खत्म कर चुका है पूरी। बात करें एंट्री पॉइंट की तो गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, बिल्कुल आप ले सकते हैं इसके हिसाब से, और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। ASM लिस्ट में नहीं है ना, GSM लिस्ट में है, ये अच्छी चीज़ है। सेक्टर का पी आप बात करेंगे तो 50.88 है और कंपनी का पी -22.55 है, तो इसके हिसाब से बहुत सस्ता है, लेकिन अब ये देख के प्लीज़ लेने मत चले जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए क्या है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग ख़त्म ही है। वॉल्यूम देखिए अच्छा खासा जनरेट करता है, 1 मंथ का एवरेज है 7 लाख, 1 वीक का एवरेज है 8 लाख, यस्टरडे आप देखेंगे 6 लाख, और टुडे यानी कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ शनिवार को, ये टुडे का मतलब शुक्रवार और यस्टरडे का मतलब बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पर 10 लाख का इतना वॉल्यूम जनरेट किया है कल। बात करें रेजिस्टेंस की तो पहला है 5.87, दूसरा है 5.93, तीसरा है 6.07। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 5.67 पहला सपोर्ट है, दूसरा 5.53 और तीसरा है 5.47 का। बात करते हैं चार्ट की, देखिए इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना, दिवालिया हो चुकी है, सब कुछ है नहीं कंपनी में, कुछ सेल्स नहीं है, कुछ नहीं है अभी, तो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑपरेटर्स का गेम चलता है, ठीक है। ऑपरेटर्स गेम करते हैं ये ऊपर अपना, धीरे धीरे शेयर्स को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए जब यहाँ से अपर सर्किट लगा होगा ना, यहाँ पर कहीं लग रहा होगा तो लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो भाग जाएगा, बहुत लोग यहाँ भी फंसे होंगे, यहाँ भी फंसे होंगे, यहाँ भी फंसे होंगे, और उसके बाद क्या किया शेयर ने धड़ाम। अब यहाँ से फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे भी चल रहा है मामला, ठीक है। अब लोग सोच रहे हैं कि अरे यार यहाँ से तो फिर चला जाएगा ऊपर, यहाँ से फिर ले लेते हैं, हो सकता है 9-10 रुपये पहुँच जाएगा, ठीक है, जा सकता है, बिल्कुल संभावना है। लेकिन आपने इसके फंडामेंटल देख लिए, आपने सारी चीज़ जान ली इसके बारे में, तो भैया जो नए लोग हैं क्या इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है कि यहाँ पर कुछ नहीं पता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा चल रहा है, इंसॉल्वेंस हो चुकी है कंपनी इंसॉल्वेंट, वहाँ पर इसको लेने की ही ज़रूरत क्या है पहली बात तो। हाँ जिन्होंने ऊपर ले रखा है, जो फंसे वसे हुए हैं, वो अपना होल्ड करिए। देखिए अभी हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं, तो हो सकता है ऊपर अभी आए 6-6.5-7 रुपये तक। और मेरी सलाह तो यही है, अगर जो लोग प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने नीचे चले रखा है भैया, बेच के आप लोग निकल जाइए। बहुत सारे शेयर हैं, आप मेरे चैनल में जाइए, पैनी स्टॉक्स ही आपको लेना है ना, तो पैनी स्टॉक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उनमें देखिए फंडामेंटल्स इतने अच्छे अच्छे हैं, कुछ शेयर्स के आपको मन करेगा आप खुद ही ले लेंगे उनको, ठीक है। और पैनी स्टॉक्स में भैया उतना ही पैसा लगाइए जितना खो जाए डूब जाए, टेंशन ना हो। अब बात करें अगर इसके RSI की, तो यहाँ पर RSI 58.98 दिख रहा है, ठीक है। 1 वीक की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए धड़ाम फिर धड़ाम, और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन, और यहाँ पर भी अभी मामला वैसे ही कुछ चल रहा है। अगर ये 5 रुपये के आसपास, देखिए जिनको कई लोगों का ऐसा रहता है कि भैया मानते नहीं है, जिनको कितना भी समझा लो उनको, अरे नहीं हमें तो लेना ही है जी, तो अगर लेना चाहते हैं तो भैया 5 रुपये के आसपास का वेट करिए, 5 रुपये के आसपास ही आपको दिखेगा, 5 रुपये अच्छा है सपोर्ट भी, अगर जैसा कि आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात करें अगर मंथली लेवल की, तो मंथली लेवल आप देखेंगे कई महीनों से ये इसी रेंज में है, ना कोई बहुत बड़ा बम्प देखने को मिला है आपको कि यहाँ से इतने एकदम उछाल रॉकेट बन गया, और ना कहीं वो है, बस वो यहाँ पर क्योंकि ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर ऑपरेटर्स नीचे खरीदेंगे, ऊपर आप लोगों को फंसाएंगे, फिर नीचे खरीदेंगे, फिर आप लोगों को फंसाएंगे, और आप लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। बात करें RSI की, तो एक महीने के लेवल पर RSI बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, 45.72। और चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। और हाँ भाई, मैं कोई सिविल स्टडी एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, ठीक है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। धन्यवाद।